हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीरीज में हम लोग स्टार पैटर्न देख रहे हैं, और आज जो हमारा स्टार पैटर्न होने वाला है वो बेसिकली ये वाला होगा। यदि लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमने एक होलो स्क्वायर का प्रोग्राम किया हुआ था। इस वाले प्रोग्राम में क्या है, अलग से हमने डायगोनल को ऐड कर दिया है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम किया था सेम हमारा वही कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन यहां पे जो हमारा ये डायगोनल बन रहा है इसके लिए हमें कंडीशन सोचना है। तो लास्ट टाइम में जो हमने किया था उस केस में हमारा जो कंडीशन आ रहा था वो बेसिकली ये वाला था। तो ये हम इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन उसके पहले जो हमारा प्रोसेस होता है एक टेबल बनाने का, वो हमने यहां पे प्रेजेंट कर लिया है, नंबरिंग कर लिया यहां पे हमने, जो बेसिकली कॉलम के लिए होगा। तो कॉलम हमारा टोटल 8 हो गया। सेम हमने नंबरिंग कर लिया है रोज के लिए। उसके बाद हमारा जो काम होता है एक और टेबल बनाने का, तो वो भी हमने यहां पे प्रेजेंट कर लिया है। अब यहां पे आप देख सकते हो, जब आई का वैल्यू 1 था तो हमारा एस्ट्रिक सिंबल जो प्रिंट हो रहा था वो 1 to 8 प्रिंट हो रहा था। तो यहां पे भी हमने ले लिया 1 to 8। आई के 2 वाले वैल्यू में जो एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट हो रहा था वो 1 2 में हो रहा था और 7 8 में हो रहा था। तो यहां पे भी 1 2 और यहां पे 7 8 ले लिया। आई के 3 वाले के केस में जो एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट हो रहा था वो 1 पे प्रिंट हो रहा था, 3 पे प्रिंट हो रहा था, 6 पे प्रिंट हो रहा था और 8 पे प्रिंट हो रहा था। तो सेम हमने यहां पे ले लिया है 1 3 6 8। इसी तरह हमने सारे के केस में यहां पे प्रेजेंट कर लिया। अब जो हमारा स्क्वायर के केस में कंडीशन बनता था, यदि याद हो तो वो क्या बनता था, जो भी मैंने दिखाया था। यहां पे आप देख सकते हो आई के 1 वाले वैल्यू में जे हमारा 1 to 9 प्रिंट हो रहा है। तो एक जो हमारा कंडीशन बनता था वो था आई इक्वस टू 1, एक ये था। दूसरा क्या था कि जब आई का वैल्यू 8 था तो हमारा जो एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट हो रहा था 1 to 8 प्रिंट हो रहा था। तो उस केस में हमारा कंडीशन क्या बन रहा था, आई इक्वस टू 8। उसके बाद जो हमारा ये वाला कॉलम है, मतलब फर्स्ट कॉलम, उसमें हर एक रो में हमारे स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा था। तो यहां पे जो हमने लिया था लास्ट टाइम वो था जे इक्वस टू 1, और यहां पे एक और जो बन रहा था जे के 8 वाले वैल्यू में, उस केस में हमारा एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट हो रहा था। तो वो भी हम यहां पे ले लेते हैं जे इक्वस टू 8। तो हमारा स्क्वायर पैटर्न प्रिंट हो गया था। अब डायगोनल एलिमेंट के लिए यहां पे आप देख सकते हो, जब यहां पे आई का वैल्यू 2 था तो यहां पे एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट हो रहा था। तो इस केस में जे का वैल्यू क्या था, 2 था। आई के 3 वाले वैल्यू में जे का वैल्यू क्या था, 3 था। इसका मतलब यहां पे आप देख सकते हो 1 पे 1 प्रिंट हुआ, 2 पे 2 प्रिंट हुआ। हम डायगोनल एलिमेंट देख रहे हैं, 3 पे 3 प्रिंट हुआ, 4 पे 4 प्रिंट हुआ। तो इसका मतलब जो आई का वैल्यू है वही हमारा जे का वैल्यू है। तो यहां पे क्या मैं कंडीशन ले सकता हूं, जे इक्वस टू आई। तो इस केस में जो हमारा लेफ्ट वाला डायगोनल है वो हमारा बन गया है। अब हमारा एक जो लास्ट डायगोनल रहता है वो ये वाला है बेसिकली। तो इस केस में आप ध्यान से देख सकते हो, जब आई का वैल्यू 1 था तो यहां पे 8 था, आई का वैल्यू 2 था तो यहां पे 7 था। मतलब यहां पे 8 था, यहां पे 7 हो गया, यहां पे 6 हो गया, मतलब 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यहां पे यदि एक कंडीशन लेते हैं जे इक्वस टू 9 माइनस आई, तो उस केस में क्या होगा, आई के 1 वाले वैल्यू में
9 माइनस 1 8, तो यहां पे जे हमारा 8 प्रिंट हो जाएगा। आई के 2 वाले वैल्यू में 9 माइनस 2 7, तो यहां पे 7 प्रिंट हो जाएगा। आई के 3 वाले वैल्यू में 9 माइनस 3 6, तो यहां पे 6 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह यहां पे हमारा 5 प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, और एक हमारे ये बन ही रहे 1। तो इसका मतलब हमारा ये वाला जो कंडीशन है वो बेसिकली डायगोनल एलिमेंट के लिए है, और ये वाला जो कंडीशन है वो बेसिकली होलो स्क्वायर के लिए। तो इसका प्रोग्राम कर लेते हैं। तो फाइल पे गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, हमारा जो फाइल में रहेगा वो पैटर्न 18 रहेगा, तो यहां पे पैटर्न 18 कर दिया, डॉट सीपीपी, एंटर, हेडर फैस लेने, हैश इंक्लूड आयु स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है, तो यहां पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड किया, मेन मेथड लेना है, तो यहां पे इंट मेन किया, एंटर कर ब्रैकेट, इंट आई कॉमा जे, आई रो के लिए होगा, जे कॉलम के लिए होगा, लूप चलाना है, तो फोर आई इक्व टू वन, आई लेस देन इक्व टू 8 हो जाएगा क्योंकि टोटल 8 रोज है, i प्लस प्लस जब हमारा कॉलम के लिए चलेगा तो 4 j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 8, j प्लस प्लस एंटर कर ले ब्रैकेट। अब यहां पे हमारा कंडीशन होगा, देखिए यहां पे जो हमने कंडीशन निकाल रखा है इसके बेस पे हम लोग ये पैटर्न प्रिंट करवा रहे हैं। आप चाहो तो कुछ और लॉजिक लगा सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ यही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, आप अलग तरीके से भी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहां पे मैं ट्राई कर रहा हूं कि जो सिंपल से सिंपल तरीका हो सकता है वो प्रेजेंट करने का, तो वही मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। तो यहां पे जो हमारा कंडीशन है वो 6 कंडीशन बन रहा है, तो यहां पे इफ इक्वल टू वन हो, ये पहला कंडीशन हो गया, दूसरा था आई इक्वल टू एट हो, थर्ड वाला जो कंडीशन था वो जे इक्वल टू वन हो, और ऑपरेटर में जे इक्वल टू एट हो, और लास्ट वाला जो हमारा कंडीशन बना जे इक्वल टू आई हो, और J इक्वस टू इक्वस टू 9 माइनस आई। यदि ये कंडीशन बनता है तो हमारा एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट होगा, तो सी आउट यहां पे एस्ट्रिक सिंबल सेमी कॉलन, नहीं तो एल्स ब्लॉक में हम लोग प्रिंट करवा देंगे सी आउट स्पेस, तो ये हो जाएगा हमारा। और जब ये वाला लूप खत्म होगा तो हम चाहेंगे चीजों को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना, तो यहां पे सी आउट बैक स्लैश एन हो जाएगा। तो फाइनली आपका प्रोग्राम बन गया है, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो यहां पे आप देख सकते हो सेम उसी फॉर्मेट में हमारा प्रिंट हो गया। आप चाहो तो यहां पे जे का भी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो, तो उस केस में यहां पे जे हो जाएगा, जो बेसिकली आपको इस फॉर्मेट में प्रिंट करवा के देगा। तो इसे भी चेक कर लेते हैं, तो यहां पे इसे सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो देखिए सेम आपका उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो गया है। आप चाहो तो वन भी प्रिंट करवा सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको वन भी देखने को मिल सकता है, तो यहां पे वन ले लिया, सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए सेम आपका उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो गया। तो इस तरह आप किसी भी फॉर्मेट में प्रिंट करवा सकते हो। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।
थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।